नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। और चलिए नजर डालते हैं इंदौर की बड़ी खबरों पर। इंदौर शहर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। बात करें पिछले 24 घंटे की, तो 24 घंटे में 136 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। पिछले दिनों लगातार कम मरीजों के बाद अब एकाएक कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। तेजी से बढ़ती महामारी को लेकर प्रशासन ने आम जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील की। इंदौर में 3,250 करोड़ रुपए की जमीन धोखाधड़ी के मामले में फरार 14 भूमाफियाओं पर पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाकर दुगुना कर दिया। अब इनका सुराग देने वालों को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जांच में पता चला है कि लोकेशन ट्रेस होने से बचने के लिए भूमाफिया अपना मोबाइल तोड़कर घर पर फेंक गए हैं। सोमवार रात को पुलिस को सुरेंद्र संघवी के प्रगति विहार स्थित घर से ऐसे ही दो मोबाइल मिले जिन्हें बुरी तरह से तोड़ा गया है। इंदौर में सोमवार रात निरंजनपुर चौराहे के पास तेज रफ्तार एक कार सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 6 में से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची लसूड़िया पुलिस ने कार में फंसे 4 युवकों के शव को गेट काट कर बाहर निकाला। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिछले हिस्से में घुसते ही डंपर की स्टेपनी का हिस्सा टूट कर गिर गया और कार का अगला हिस्सा पिछली सीट से जा मिला। बताया जा रहा है कि कार में सवार युवक शराब के नशे में धुत थे। इंदौर धार रोड पर बेटमा खुर्द में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी है। सोमवार को भोपाल में हुई बैठक में सीएम ने इस क्लस्टर का प्रेजेंटेशन देखा और इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नीति के तहत मंजूर कर लिया। इंदौर में भी फर्नीचर कारोबारियों का सालाना कारोबार का टर्नओवर 1,000 करोड़ का है, जो इस क्लस्टर के बाद कुछ सालों में बढ़कर 5,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा और इससे 12,000 से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। इंदौर में हर माह 200 से 300 करोड़ का कारोबार करने वाले शहर के सराफा की सुरक्षा 65 कैमरों के साए में होगी। इनमें से 32 कैमरों की व्यापारियों ने जनभागीदारी से लगवाए हैं, जहां पर दो तरफ से एंट्री के 6 रास्तों पर 12 कैमरे लगेंगे, तो बाजार के अंदर गलियों में हर आने जाने वालों पर 20 कैमरों से नजर रखेंगे। इतना ही नहीं, हर दुकान के आगे पीछे के 2 कैमरों का सीधे थाने से कनेक्ट रहेंगे, जहां से पुलिस बाजार में होने वाली हर गतिविधि को देख पाएंगे और कोई वारदात होने पर पुलिस तत्काल फुटेज देख सकेगी।